हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे बच्चों। चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एंड क्वाड्रेंट ज्योमेट्री एक्चुअली स्पेशल ये क्वेश्चन जो है महाराष्ट्र बोर्ड से मैंने लिया हुआ है। महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर सेट सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 19 मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जो है एक्चुअल में ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ रहा हूँ और मैंने यहाँ पे पिक्चर बना भी दिया है। क्वेश्चन है आपका, द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड इंटू 5 कॉन्ग्रेंट पार्ट। अब बेटा पहली बात तो कॉन्ग्रेंट पार्ट का मतलब ये होता है कि 5 इक्वल पार्ट है ना, सेम पिक्चर आप देखें, आप ट्रायंगल में देखोगे कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, मतलब क्या सेम एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो 5 कॉन्ग्रेंट पार्ट मतलब ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5, और ये लाइन आपस में किस में कोलिनियर है। ओके, अब उसने बोला है कि सच डेट ए पी क्यू आर एस बी ओके, इफ पॉइंट क्यू एंड एस आर गिवन, क्यू एंड एस एस अपने को दिया गया है, एंड और फाइंड करना है आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पी आर बी, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग चलो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। ओके चलिए बच्चों, हाँ ध्यान देंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट्स जा रहा है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा आगे। चलिए अब ध्यान दें बच्चों, क्या हो रहा है बच्चों इसमें कि सर आप यहां पर ध्यान दोगे कि ये अगर सभी इक्वल पार्ट में है तो क्यू एंड एस का मिड पॉइंट जो है वो आर होगा, तो ये आर जो होगा भाई इसका मिड पॉइंट होगा। ओके, अगर ये मिड पॉइंट है तो बेटा मिड पॉइंट थ्योरम से मैं आर निकाल सकता हूं। चलो मिड पॉइंट थ्योरम से मैं आर निकालो, कैसे निकालो भाई? सर ये मिड पॉइंट थ्योरम से अगर मैं आर निकालो तो क्या लिखते हो, एक्स वन प्लस एक्स टू, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू, 14 प्लस 18 डिवाइड बाई टू। ओके सॉल्व कर ले इसको, तो 14 प्लस टू 16 डिवाइड बाई टू इज 8, और ये आपका कितना हो गया बेटा, 8 प्लस 4 इज 12, तो कितना आ गया 32 डिवाइड बाई टू, मतलब कितना भाई कोऑर्डिनेट्स कितने आ गया आपका, 8, 16 आपका कोऑर्डिनेट आ गया किसका भाई, आर का। मैंने निकाल लिया आर कितना आ गया भाई, 8, 16। अब ठीक है, अब आगे अपने को निकालना है, 8 मिन मालूम, ये भी मालूम पड़ गया। अब बेटा ध्यान देना कि ये आर मालूम है एस मालूम है, तो क्या मैं बी निकाल सकता हूँ अगेन मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, अब बी का कोऑर्डिनेट अपने को पता नहीं है, तो अब मान लो बी का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया मैंने, एक्स एंड वाई मान लिया था। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बी निकालने के लिए क्या करोगे भाई जरा बताओ, बी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो इन दोनों के लिए ये मिड पॉइंट होगा, 4 और 18 आपका मिड पॉइंट होगा, तो 4 और 18 अगर आपका मिड पॉइंट है तो मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम, तो क्या लिखोगे आप, एक्स प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कॉमा 16 प्लस वाई डिवाइड बाई 2, मतलब ये इसके इक्वल होगा, तो क्या लिखोगे, एक्स प्लस 8 डिवाइड बाई 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट इनके इक्वल होगा, तो क्या लिखोगे भाई, एक्स प्लस 8 इक्वल टू 8, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया भाई, 0 आ गया आपका। ओके सिमिलरली अगर मैं ये निकाल लूँ तो क्या लिखोगे आप, 18 इज इक्वल टू 16 प्लस वाई डिवाइड बाई 2, तो इधर कितना आ गया भाई, 18 टू जा 36 इक्वल टू 16 प्लस वाई, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया बेटा भाई आपका 20, तो कोऑर्डिनेट्स नहीं निकल गए आपको, बी के कितने कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा आपका, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आ गए आपका 0, 20, ये मालूम पड़ गया, ये मालूम है, ये मालूम, ये मालूम है, तो सिमिलरली सर आप ये पी निकाल सकते हो। पी के लिए क्या करोगे भाई, मान लीजिए आप पी का कोऑर्डिनेट जो है आपने एज्यूम कर लिया अल्फा कॉमा बीटा, अब इन दोनों के लिए सर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को कितना दिया है, 12, 14 दिया गया है, तो 12, 14 आपका मिड पॉइंट है बेटा, आप पेपर में उसको प्रॉपर वे में लिख लीजिएगा। ठीक है चलिए, अब ये 12, 14 है तो जरा बताओ मैं इसको कैसे लिखूंगा, अल्फा प्लस 8 डिवाइड बाई 2 बीटा प्लस 16 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर दिया, इसका मतलब 8 प्लस 8 सॉरी ये इनके इक्वल होगा, तो 8 प्लस अल्फा प्लस 8 इक्वल टू 24, तो अल्फा इज इक्वल टू 24 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा बेटा, 16 आ गया आपका। चलो अब बीटा प्लस 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 14, तो बीटा प्लस 16 इज इक्वल टू 28, तो बीटा इक्वल टू 28 माइनस 16, सॉल्व कर लीजिए कितना मिल गया बेटा ये 12 आ गया आपका, तो बीटा कितना आ गया आपका 12। ओके तो कोऑर्डिनेट्स कितना मिल जाएंगे बेटा आपका, 16, 12। ओके तो ये कोऑर्डिनेट्स निकल गया कौन सा भाई अपने को, पी भी निकल गया, पी कितना आ गया अपना, पी आ गया भाई अपना 16, 12, क्या आप ए निकाल सकते हो अब। ओके तो नाउ कोऑर्डिनेट, नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब ए के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ,
ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता हो तो ए नहीं पता है। तो आप मान लीजिए सर यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट मैंने एज्यूम कर लिया, क्या ले लोगे आप? एक्स वाई ले चुके हो, अल्फा बेटा ए कॉमा बी लेता हूँ मैं, स्मॉल ए बी। ओके चलिए, तो भाई ये इनके लिए मिड पॉइंट है, तो 16 12 जो है आपका मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर देंगे, अगर आपने अप्लाई किया तो ए प्लस 12 डिवाइड बाई 2 और बी प्लस 14 डिवाइड बाई 2। चले तो यहां से क्या लेंगे, 16 इज इक्वल टू, होगा या नहीं होगा, ये इनके इक्वल होगा है ना। तो 32 इज इक्वल टू ए प्लस 12, तो 32 माइनस 12 इज इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका 20 आ गया। ओके सिमिलरली मैं अब वाई कोऑर्डिनेट यहां से निकाल लेता हूं, तो बी प्लस 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12, तो बी प्लस 14 इज इक्वल टू 24, तो बी इक्वल टू कितना आ गया 24 माइनस 14, तो बी इक्वल टू बेटा बेटा कितना है 10 है ना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 20, 10। ओके तो 20, 10, तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर। आप सारे आंसर सारे कोऑर्डिनेट्स को आप अच्छे से अरेंज करके लिख दोगे आंसर में, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होता है बेटा, ठीक है। बेटा अगर आपको कुछ भी अगर डाउट्स जा रहा है एक्सरसाइज सॉल्व करने में, तो पहले आप मेरे सारे वीडियो पहले देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, सारे वीडियो को देखने के बाद फिर एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, तो आई थिंक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी अगर डाउट्स जा रहा है तो आप डाउट्स प्लीज कॉमेंट बॉक्स में डालें, और मैं उसके लिए फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के मैं बताऊंगा। ओके चलो, थैंक यू।